उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, ग्रामीणों में बांटे सोलर प्लेट। मामला उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा के वन ग्राम गढ़पुरी का है, जहां पर ग्रामीणों को आचार संहिता लगने के बाद सोलर प्लेट बंटवाए गए हैं, जिससे घरों में बिजली जल सके और रात को ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डायरेक्टर साहब ने सोलर प्लेट बंटवाकर ग्रामीणों की दिक्कत तो खत्म कर दी है, लेकिन साहब ने निर्वाचन आयोग की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। चेतन बैगा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम गढ़पुरी का। अच्छा, किस तारीख को आपको यहाँ पे कुछ सामग्री दी गई है नेशनल पार्क की तरफ से? क्या हमारे यहाँ सोलर पैनल बांटा गया है? तकरीबन 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच। कितने लोगों को मिला है ये? 250 लोगों का। किसने दिया है? मृदुल पाठक ने दिया। मृदुल पाठक कौन है? सीएफ साहब है हमारे यहाँ क्षेत्र संचालक। और ये बताइए कि ये पैनल देते वक्त कोई बातचीत हुई है क्या उनसे? कुछ कहा उन्होंने? हमसे तो कोई बातचीत नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आपको उनके हाथ से दिया गया है ना? जी। अच्छा, आपके यहाँ अभी कुछ सोलर पैनल वगैरह वितरण हुआ है? जी, अभी 21 तारीख को। क्या वितरण हुआ है? खम्बा बांटे, पैनल। किसी किसी खम्बा है, किसी किसी पैनल है। अच्छा, कितने लोगों को दिया गया है ये? अभी तो लग गया होगा 250 के आसपास। 250 मतलब? लग चुका। 250 लग गया। अच्छा, ये किसके द्वारा आप लोगों को दिया गया है? ये तो लगता है कि डायरेक्टर के ही द्वारा दिया गया। डायरेक्टर कौन? सीएफ साहब है, मृदुल पाठक। अच्छा, तो इसके किस तारीख को वितरण, मतलब किस तारीख को आपको मिला है? 16 से लेकर जाए 23 तारीख तक। इसी महीने में? अभी इसी महीने में। क्या नाम है आपका? मेरा संखोली प्रसाद यादव। अच्छा, किस गांव के रहने वाले? ग्राम गढ़पुरी का हूँ साहब। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ कुछ वितरण हुआ है, किस विभाग के द्वारा हुआ है? सौर ऊर्जा पैनल वितरण हुआ है, ये मृदुल पाठक ने हमारे यहाँ बंटवारा करवाया है। अच्छा, कितने लोगों को आपके यहाँ मिला है ये? करीब 250 लोगों को मिल चुका है। अच्छा, अभी कुछ पैनल आने वाले हैं। अच्छा, किस तारीख को दिया है ये? 20 तारीख को। 20 अक्टूबर? जी, 20 अक्टूबर को। मृदुल पाठक कौन? सीएफ साहब है, बांधवगढ़ संचालक है। अब जब हमारी कैमरा टीम संयुक्त कलेक्टर के पास पहुंची, तो कलेक्टर ने कहा कि जांच करवाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। के द्वारा हमारे संज्ञान में ये चीज लाई गई है, हम इसका अपनी टीम भेज के जांच कराएंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन यह बात कैमरे में नहीं बता सके कि ये किसके कहने पे किया गया है। उमरिया से विनय हेमनानी की रिपोर्ट।